हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी मैक्रोनी, जो बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाती है और जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप मैक्रोनी ली है। ये देखिए, मैक्रोनी 3 कप ली है मैंने। और सबसे पहले हमें इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है और पैन में मैंने 6 कप पानी डाला हुआ है। 6 कप पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। 3 कप मैक्रोनी है तो हमें 6 कप पानी लेना है। पानी हमें डबल लेना है। ये देखिए, पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी या ऑयल आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि मैक्रोनी हमारी चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी ऐड कर दीजिए। पानी हमारा गर्म हो गया है और अब मैंने इसमें 3 कप मैक्रोनी ऐड कर दी है। और अब हमें इसे 7 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे। 7-8 मिनट में ये बॉईल हो जाती है। तो देखिए, 2 मिनट हो गई है। 2 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। और अब हम इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गई है और आप देखेंगे कि मैक्रोनी भी आपकी बॉईल हो गई है। इसे थोड़ा सा और हम एक बार बॉईल होने देंगे। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम पानी से छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको छलनी में छान लिया है। नमक और ऑयल डालने से देखिए हमारी मैक्रोनी बिल्कुल खिली खिली बनी है। और मैक्रोनी के लिए मैंने शिमला मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और कद्दूकस की हुई मैंने गाजर ली है। देखिए, गाजर को मैंने कद्दूकस लिया है। और ये मैंने ग्रीन चिल्ली सॉस ली है। ये टोमेटो केचप लिए मैंने 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी मैंने अदरक ली है कद्दूकस करी हुई, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है और ग्रीन चिल्ली मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। देखिए, ग्रीन चिल्ली सॉस मिलती है मार्केट में, किसी भी किराने की शॉप पे मिल जाएगी, ये लिया है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। इसमें भी आप घी या ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ये गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद हम इसमें कद्दूकस करी हुई अदरक ऐड कर देंगे। अदरक मैंने 1/4 टेबल स्पून ही अदरक लिया, अदरक हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। इसको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च, प्याज और कद्दूकस किया हुआ गाजर हम इसमें डाल देंगे और हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। अभी हमने टमाटर नहीं डाला है, केवल शिमला मिर्च, प्याज और कद्दूकस करा हुआ। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी बारीक कटी हुई, 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको सब्जी को अच्छी तरह रोस्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपकी सब्जी का कलर चेंज हो गया है, सब्जी आपकी पकने वाली है ऑलमोस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। ये हमने 2 बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। इसको भी अच्छी तरह हम इसी तरह चलाते रहेंगे। और ये देखिए, टमाटर भी आपका भुन गया है। सारी चीज़ आप इसी तरह चलाते रहेंगे। और उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करा है क्योंकि 3 कप मैक्रोनी है। और 1/4 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड की है और 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। और इन सबको ऐड करने के बाद हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिया हुआ था वो देसी टमाटर लिया हुआ था। अगर आप बॉम्बे टमाटर लेते हो तो इसमें 1 ढक्कन आप या 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सिरका भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे क्योंकि सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। उसके बाद आप इसमें मैक्रोनी ऐड करोगे। और मैक्रोनी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सब्जी हमने रोस्ट की है वो अच्छे से मैक्रोनी में मिक्स हो जाए। और टमाटो केचप मिक्स करने से ये बेनिफिट होता है कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाती है जो मैक्रोनी के ऊपर अच्छे से, देखिए, इसको ग्रीस कर लेती है। ये देखिए, मैक्रोनी हमारी देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें मैंने कोई ऊपर से कलर ऐड नहीं किया है, तो
तो फ्रेंड्स रेडी है हमारी झटपट बनने वाली मैक्रोनी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में किसी में भी बना सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।